वही नारायण पर सर्चिंग पर निकले जवानों पर नक्सलियों ने हमला कर दिया है। आपको बता दें एम्बुश लगाकर दो आईईडी का ब्लास्ट कर दिया है और ब्लास्ट करके भाग गए हैं। ये बड़ी खबर आपके सामने हम ला रहे हैं जहां पर दो आईईडी ब्लास्ट करके नक्सली भाग गए हैं। हालांकि कोई हताहत नहीं हुई है। सोनपुर मार्ग पर बेचा मोड़ की घटना बताई जा रही है जहां पर नारायणपुर में जवानों पर नक्सलियों ने हमला कर दिया है। आशुतोष तिवारी जुड़ गए हैं हमारे साथ। आशुतोष, क्या है पूरा मामला? डेली ही जो जवान है वो जंगलों के अंदर सर्चिंग के लिए जाते हैं। इस तरीके का घटना क्या है, बरसात में अधिकतर किया जाता है क्योंकि मानसून जो सत्र चलाया जाता है जी। उस समय नक्सली काफी सक्रिय रहते हैं, जंगल को काफी अच्छी तरह से जानते हैं और हरा भरा होने के कारण जो नक्सली अपना इस तरीके का एम्बुश आजमाते हैं। जैसे कि आज नारायणपुर का मामला देखने को मिला है कि एम्बुश लगाकर नक्सली जो है आईडी ब्लास्ट किए, जिसमें जवानों को फांसने के लिए, क्योंकि ब्लास्ट करने के बाद जिस तरीके से फायरिंग करते हैं नक्सली, लेकिन कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आया। इस बार ब्लास्ट करने के बाद जो नक्सली है वो जंगल का आड़ लेते हुए भाग गए। जवान हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ और साथ ही दो जिंदा आईडी भी बरामद किया गया है वहां पर। जवानों की बैकअप टीम भी भेज दी गई है वहां पर और लगातार सर्चिंग जारी है। क्या है, अंदरूनी क्षेत्र होने के कारण जो हमारे तक पूरा मैसेज नहीं पहुंच पा रहा है। जवान जब कैंप वापस आते हैं उसके बाद सारी जानकारी निकल के सामने आएगी कि क्या किसी नक्सली को मारे हैं या किसी नक्सली को पकड़ने में कामयाब हुए हैं, क्योंकि जवान जो हैं अभी तक लगातार जंगलों में सर्चिंग कर रहे हैं। जी जी जी, कितने जवान मौजूद थे वहां घटनास्थल पर? जी देखिए, इस तरीके का जो जानकारी है ये अभी तक हमारे सामने नहीं आई है क्योंकि अंदरूनी क्षेत्र है, जो वहां से जो सूचना आनी थी वो नहीं आ पा रही है। तो अधिकारियों का कहना है कि जो जवान जब वापस आएंगे, बैकअप पार्टी वापस आएगी, तभी हम सारी स्थिति स्पष्ट कर पाएंगे। जी जी, आशुतोष जी नजर बनाई रखिएगा खबर पर। बहुत बहुत धन्यवाद।